हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जिसमें आज हम लोगों ने भारी तेजी होते हुए देखी है। ये तकरीबन 9% ऊपर चढ़ करके 3188 रुपये पर क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। तो आज इस पूरे वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तेजी HDFC AMC में बन रही है वो क्या आगे भी जारी रहेगी, और HDFC AMC के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसने पास्ट में अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिया है, और इसके जो फंडामेंटल्स रहे हैं वो कैसे देखने को मिले हैं, और आने वाले दिनों में HDFC AMC के जो शेयर प्राइस रहेंगे वो किस प्रकार से वैरी कर सकते हैं, किस प्रकार के उतार चढ़ाव हम लोग देख सकते हैं इसमें, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और HDFC AMC के चार्ट पर हम लोग सबसे पहले नजर डालते हैं कि HDFC के चार्ट हम लोगों को कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो स्क्रीन पर दोस्तों ये डेली चार्ट देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, HDFC ने लिस्टिंग के बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली, फिर उछाल आया, फिर गिरावट देखने को मिली, उसके बाद ये लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये तकरीबन 3800 रुपये के आसपास इसने लाइफ हाई बनाया था। उसके बाद दोस्तों इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, और फिर जब साइडवेज मूवमेंट देने लगा उसी समय लॉकडाउन की घोषणा हुई और ये शेयर जो है धड़ाम से नीचे गिर गया, और ये तकरीबन 2000 के स्तर पर आकर के ट्रेड करने लगा। उसके बाद ये स्टॉक जो है काफी दिनों तक साइडवेज मूवमेंट देता रहा, और वापस इसमें जो है हम लोग रिकवरी देख रहे थे, उसके बाद बाजार में फिर से गिरावट आई और उसके साथ ही ये शेयर भी धड़ाम से नीचे गिर गया। अब वापस इसमें हम लोग तेजी बनता हुआ देख रहे हैं, और अभी 3188 रुपये पर यह क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग कैसे जाने कि क्या जो ये तेजी बन रही है आगे भी जारी रहेगी, और आगे जारी रहेगी तो क्यों जारी रहेगी, और तेजी बनी रहेगी तो किन स्तरों तक ये स्टॉक जा सकता है, इन सारी बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम लोग इसके फिनेंशियल ओवरव्यू को चेक कर लेते हैं कि इसके फिनेंशियल ओवरव्यू कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो स्क्रीन पर दोस्तों HDFC AMC के फिनेंशियल ओवरव्यू को हम लोग देख रहे हैं। HDFC के मार्केट कैप की बात करें तो ये 62,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 35.6 काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.8%, जो काफ़ी बेहतरीन है। डेट इक्विटी 0, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 74% के आसपास, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 189 टाइम्स, जो काफ़ी बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड 0.95%, काफ़ी अच्छा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 21.3 करोड़ है। तो हम लोग इस प्रकार से देख पा रहे हैं दोस्तों कि HDFC AMC के जो फिनेंशियल हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो फिनेंशियल ओवरव्यू में HDFC AMC एक अच्छा स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों पास्ट केस के रिजल्ट को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ताकि हम लोग ये समझ पाएं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो FY16 से FY20 तक के एनुअल रिजल्ट स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं। FY16 में इनके जो सेल्स थे वो तकरीबन 1490 करोड़ देखने को मिल रहे थे, और वो लगातार, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें लगातार हाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और अगर हम लोग पिछले 5 सालों में इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये 1500 करोड़ से बढ़ करके 2100 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY16 में ये 478 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि FY20 में ये बढ़ करके 1262 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कि इनके जो नेट प्रॉफिट हैं दोस्तों वो हम लोग तकरीबन 2.5 गुना से ज़्यादा होते हुए देख रहे हैं, जबकि इनके जो सेल्स हैं दोस्तों वो 2.5 गुना से कम ही बढ़े हैं, लेकिन इनके जो नेट प्रॉफिट हैं वो 2.5 गुना होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी ध्यान दिया जाए तो ये लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं।
तो इस प्रकार से HDFC के जो एनुअल यील्ड रहे दोस्तों वो काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब इतनी अच्छी ढंग से कंपनी अपने बिजनेस को रन कर रही है, नेट प्रॉफिट ला रही है और डेट भी इसके बैलेंस शीट में नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसके रिजर्व बढ़ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इनके रिजर्व जो है लगातार बढ़ते हुए हम लोग देख पा रहे हैं, लगातार इनके रिजर्व बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी न केवल अपने सेल्स को बढ़ा रही है, इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और इसके रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी डिविडेंड वगैरह देती है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये लगातार ये कंपनी डिविडेंड दे रही है और इनके डिविडेंड के जो परसेंटेज हैं वो भी लगातार ऊपर की ओर चलते देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हर बार ये कंपनी डिविडेंड बढ़ा करके देती है। तो हम लोग ये कुल मिला के बोल सकते हैं कि HDFC AMC के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी अच्छे हैं और ये कंपनी एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। ऐसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि HDFC AMC HDFC ग्रुप की कंपनी है। अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं कि बड़े निवेशकों का किस प्रकार का रुझान है इस शेयर में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि FIs जो है इस स्टॉक में लगातार अपना स्टैक बढ़ा रहे थे और जून क्वार्टर तक उन्होंने स्टैक अपना बढ़ा करके 10.7% कर लिया था। उसके बाद सितंबर 2020 क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टैक इसमें घटाया, फिर वापस दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टैक बढ़ा करके 9.1% कर लिया है। वहीं दूसरी ओर DIs इस स्टॉक में लगातार अपना स्टैक घटा रहे हैं। और अगर ओवरऑल बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं FIs ने अपना स्टैक इस स्टॉक में बढ़ाया है और नंबर ऑफ FIs भी इसमें पहले 492 इन्वेस्टेड थे जो कि अब बढ़ करके 502 502 हो गए हैं। तो नंबर ऑफ FIs की संख्या इसमें बढ़ता हुआ हम लोग देख पा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें हम लोग घटते हुए देख पा रहे हैं और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो इसमें इन्वेस्टेड है उनकी भी संख्या 24 से 22 होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाई है। तो कुल मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि बड़े निवेशक भी इसमें इन्वेस्टेड हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें बुलिश हो रहे हैं और कुछ बुलिशनेस जो है FIs भी दिखा रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इसके फंडामेंटल्स को मजबूत देखा उस हिसाब से जो FIs भी इसमें काफी अच्छी तरह से निवेशित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस पैटर्न की कि अब ये स्टॉक इन स्तरों से कहाँ तक जा सकता है, तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों इस संबंध में कहना है कि जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से सारे फिनेंशियल सेक्टर के हालत काफी खराब देखने को मिले थे और खास करके AMC कंपनियों के जो बिजनेस हैं वो हम लोगों को डिग्रोथ में जाते हुए देखने को मिले थे, लेकिन अब धीरे धीरे निगेटिविटी खत्म हो रही है। तो हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि HDFC AMC के जो बिजनेस हैं वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच पाए हैं या नहीं, उसके बाद ही हम लोग कुछ इसमें राय बना पाएंगे। हालांकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इसके फंडामेंटल्स काफी सुधरे हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर दिसंबर क्वार्टर में इसके सेल्स फिगर को देखा जाए तो ये 482 करोड़ देखने को मिल रहा है जो कि लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 525 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि HDFC AMC के जो बिजनेस है क्वार्टर थ्री के वो अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब आइए नेट प्रॉफिट की बात करें सेम पीरियड में, तो ये दिसंबर क्वार्टर में 369 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी जो कि लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 353 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट में इस इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा दोस्तों कि इनके जो सेल्स तो डाउन हुए थे लेकिन नेट प्रॉफिट में हम लोग इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करें तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 79 से बढ़ करके 80% होता हुआ हम लोग देख पाए हैं। इस वजह से इनके सेल्स में डिग्रोथ होने के बावजूद इनके नेट प्रॉफिट में हम लोग ग्रोथ देख पा रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। तो अभी तक के इनके रिजल्ट के हिसाब से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अभी भी HDFC AMC के जो बिजनेस हैं वो प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे क्वार्टर थ्री के। लेकिन अब दोस्तों पूरा देश जो है लॉकडाउन से उभर चुका है और सारे बिजनेस नॉर्मलसी की ओर बढ़ चुके हैं, तो हम लोग ये कहीं ना कहीं उम्मीद लगा करके
रख सकते हैं कि HDFC AMC जो कि AMC कंपनी में सबसे दिग्गज कंपनी है, इनके पैरेंटेज भी HDFC ग्रुप है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अब जब क्वार्टर फोर के नतीजे आएंगे तो HDFC AMC के जो बिजनेस है वो हम लोग बढ़ता हुआ देख पाएंगे, ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। और इस विश्वास के चलते ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये शेयर जो है अब कंसोलिडेशन के फेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और आज बड़े बड़े निवेशकों ने काफी संख्या में इसमें माल भी उठाया है, जिसके चलते इसमें काफी तेजी बनी हुई है। तो अब हम लोग टेक्निकली बात करें दोस्तों, तो HDFC AMC अपने 50 डेज MR, 100 डेज MR और 200 डेज MR के ऊपर निकल चुका है और ये तकरीबन 3200 रुपए के आसपास क्लोजिंग दिया है। और यही लेवल है दोस्तों जो कि इसका स्ट्रांग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर हम लोग ये मान के चलें कि इसमें तेजी बनती है तो इसको रेसिस्टेंस कहाँ फर्दर देखने को मिलेगा, तो जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा दोस्तों वो तकरीबन इसको 3388 या बोलिए कि 3400, अगर हम लोग एवरेज लें तो 3400 का स्तर इसके लिए काफी अहम हो जाता है। और जब भी ये शेयर 3400 के स्तर को पार करेगा उसके बाद इस शेयर में काफी भयानक तेजी हम लोग होता हुआ देख पाएंगे, जो कि इस स्टॉक को न्यू हाई की ओर ले जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि कब ये शेयर जो है 3400 के लेवल पर जाकर के ट्रेड करता है और उस स्तर पर ये मेंटेन रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3400 के स्तर को छू करके इसमें करेक्शन देखने को मिला था, अब ये दोबारा कोशिश कर रहा है कि 3400 के स्तर पर जाके ट्रेड करे। तो 3400 का स्तर दोस्तों इस शेयर के लिए काफी अहम हो जाता है और जब भी ये शेयर 3400 के स्तर पर ट्रेड करना शुरू करेगा, कम से कम 7-8 ट्रेडिंग सेशन में ये 3400 का लेवल पर ही ट्रेड करता मिलेगा, तो हम लोग इसमें फर्दर तेजी बनता हुआ देखेंगे जो कि ये स्टॉक को लाइफ हाई पर ले जाता हुआ हम लोग को मिल सकता है। तो अब दोस्तों हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि कब ये शेयर 3400 के स्तर को छूता है। तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।